सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और हम लोग जो है डेली एक से एक क्लास डेली लेके आते हैं दोस्तों। आज उसी क्रम में हम लोगों की अगली और चौथी क्लास है दोस्तों। जी हाँ, आज हम लोगों की चौथी क्लास है दोस्तों। और मैं जान रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे दोस्तों। नोट्स हमारे साथ बनाते चलिएगा दोस्तों। और क्योंकि जब आप नोट्स बनाए रहेंगे तो पढ़ने में बहुत अब मज़ा आएगा दोस्तों। जब आप रिवीजन करेंगे दोस्तों, संडे आपका रिवीजन रहेगा दोस्तों, तो जब नोट्स आपकी बनी रहेगी तो रिवीजन करने में एकदम जान लीजिए मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जो है एक बार जो है आप जय हिंद बोलिए दोस्तों। लगना चाहिए कि हाँ हम लोग इंडियन आर्मी के जो है स्टूडेंट हैं दोस्तों। तो एक बार जल्दी से दोस्तों जय हिंद लिखिए दोस्तों। जय हिंद हनुमान बिश्नोई, जय हिंद नितिन राठौर, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। एक बार जय हिंद बोल दीजिए दोस्तों। जय हिंद नील, जय हिंद सागर पंडित, आस्तिक यादव, नितेश कुशवाहा, नील प्रताप, जय हिंद लवलेश यादव, जय हिंद अभी उर्फ पबजी जय हिंद दोस्तों। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आप लोग अपनी अगली क्लास दोस्तों। और सॉरी दोस्तों, कल आपकी शाम की 7 बजे वाली क्लास नहीं चल पाई क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी दोस्तों। और बारिश होती है तो नेटवर्क की थोड़ा समस्या आ जाती है, इसी की वजह से शाम वाली क्लास नहीं चल पाई दोस्तों। आज जो है आपकी अगली क्लास है। और कल जो आपकी इंग्लिश की क्लास चली थी दोस्तों, उसकी पीडीएफ का जो पासवर्ड है दोस्तों अभी मैं बताऊंगा दोस्तों। जैसा कि हमने कहा था कि जो बच्चा क्लास देखेगा पासवर्ड उसी को मिलेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको उसका पासवर्ड बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम दोस्तों। और सबसे पहले हम लोग रूल पर चर्चा करते हैं। और आज का जो रूल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम लोग का जो क्रम है वही क्रम है दोस्तों। और आज आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोस्तों वर्ड, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। कौन कौन से वर्ड लिखे हैं मैं पढ़ता हूं दोस्तों, देखिएगा। आप लोग इसको अपनी नोट्स में लिख के चलिएगा दोस्तों। तो देखिए वर्ड है, सडनली कम अक्रॉस, लाइट ब्रीज, एक्सीड मोर देन, थ्रो आउट द होल डे, लाइक कैट्स एंड डॉग, डिस्क्राइब अबाउट, डिफाइन अबाउट, डिस्कस अबाउट, अवेट ऑफ, अवेट फॉर और डिस्पाइट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, इतनी चीज है दोस्तों। याद रखिएगा, आप ये मत समझिएगा कि सर कॉमन एरर में एक या दो क्वेश्चन आता है हम इतना पढ़ें दोस्तों। आप वर्ड पढ़ रहे हैं दोस्तों, वर्ड जान लीजिए पढ़ रहे हैं। और चूंकि अब का मतलब पिछली बार से, दो बार से, यानी कि 2018 में दो पेपर हुआ था दोस्तों, मतलब एक साल में दो बार वैकेंसी आती है। और पैसेज पूछा था दोस्तों, और पैसेज अगर पूछ लेता है दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पैसेज से आ जाता है। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स दे देता है दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का हो जाता है। तो उसके लिए आप जितना वर्ड आपको तैयार रहेगा उतना अच्छा है आपके लिए दोस्तों। तो जो आज का वर्ड है, 10 वर्ड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, सुनिएगा, मैं अर्थ बताता हूं सबका। सडनली कम अक्रॉस, देखिए दोस्तों कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कम अक्रॉस विथ। तो दोस्तों कम अक्रॉस विथ का मतलब क्या हुआ, हमने बताया था कि जब आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं और अचानक आपको कोई मिल जाए दोस्तों, तो उसे ही कहते हैं कम अक्रॉस। जी हां दोस्तों, तो देखिए सडनली मतलब होता है अचानक, और कम अक्रॉस मतलब भी होता है दोस्तों अचानक। मतलब क्या हुआ दोस्तों, कभी भी सडनली और कम अक्रॉस दोनों साथ साथ नहीं रहेगा दोस्तों। सडनली मतलब भी होता है अचानक, और कम अक्रॉस मतलब भी दोस्तों होता है अचानक। अगले उस पर चलते हैं वर्ड पर दोस्तों। लिखा है लाइट ब्रीज। जी हां दोस्तों, लाइट मतलब होता है मंद, धीमा, हल्का, और ब्रीज मतलब भी दोस्तों होता है मंद हवा, हल्की हवा, पवन, समीर। तो दोस्तों लाइट ब्रीज, अगर कहीं लाइट ब्रीज लिखा है तो इसका मतलब हल्की हल्की हवा, मतलब ये तो गाना बन गया दोस्तों। तो दोस्तों गाना नहीं बनाना है, यानी कि हल्की हवा अर्थात ब्रीज का मतलब ही होता है दोस्तों हल्की हवा। तो इसके पहले कभी लाइट का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। अगला देख रहे होंगे वर्ड दोस्तों, अगला वर्ड लिखा हुआ है थ्रो आउट द होल डे। जी हाँ, थ्रो आउट का मतलब होता है दोस्तों
पूरा दिन, थ्रो आउट मतलब होकर द होल डे, तो थ्रो आउट का मतलब भी होता है दोस्तों पूरा, तो इसलिए थ्रो आउट के साथ होल का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, थ्रो आउट के साथ कभी होल का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात क्या होगा दोस्तों, थ्रो आउट द डे दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों। आगे देखिएगा, लाइक कैट्स एंड डॉग्स, जी हाँ दोस्तों, लाइक कैट्स एंड डॉग्स, लाइक मतलब होता है दोस्तों तरह, कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है दोस्तों मूसलाधार वर्षा, जी हाँ दोस्तों मूसलाधार वर्षा, तो दोस्तों कैट्स एंड डॉग का मतलब ही होता है मूसलाधार वर्षा, तो इसलिए इसके पहले कभी लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात केवल कैट्स एंड डॉग्स का ही प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों आगे देखिए, लिखा है डिस्क्राइब अबाउट, जी हाँ दोस्तों डिस्क्राइब का मतलब होता है दोस्तों वर्णन करना, विस्तृत करना, किसी चीज को बताना, और अबाउट मतलब होता है दोस्तों बारे में, तो इसलिए अगर कह दिया गया कि डिस्क्राइब कीजिए तो इसका मतलब कि ये नहीं डिस्क्राइब अबाउट, तो डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। उसी तरह अगला देख रहे होंगे आप, डिफाइन अबाउट लिखा हुआ है, तो डिफाइन के साथ भी अबाउट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिफाइन का मतलब ही होता है दोस्तों उसको विस्तृत करना, उसको बताना जो है, उसको परिभाषित करना, तो उसके साथ अबाउट का प्रयोग नहीं किया जाता। और उसी तरह दोस्तों अगला वर्ड आपको दिख रहा होगा, लिखा है दोस्तों डिस्कस अबाउट, जी हाँ दोस्तों, अर्थात हम क्या देखें दोस्तों, डिस्क्राइब, डिस्कस के, डिस्क्राइब, डिस्कस और डिफाइन, जी हाँ दोस्तों तीन वर्ड हम देखें, डिफाइन, डिस्कस और क्या देखें हम लोग दोस्तों, डिफाइन, डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट का प्रयोग नहीं होता है, जी हाँ दोस्तों ये रूल हो गया आपका, डिफाइन, डिस्कस, डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट का प्रयोग नहीं होता है, ये आपका रूल हो गया दोस्तों। आगे देखिए लिखा है दोस्तों अवेट फॉर, जी हाँ दोस्तों अवेट फॉर नहीं होता दोस्तों, अवेट अकेले ही होता है, उसी तरह डिस्पाइट ऑफ नहीं होता दोस्तों, देखिए इन स्पाइट ऑफ से डिस्पाइट बना हुआ है, चाहे आप डिस्पाइट लिखिए दोस्तों, चाहे आप डिस्पाइट लिखिए और चाहे आप दोस्तों इन स्पाइट ऑफ लिखिए, जी हाँ दोस्तों अगर कहीं पर दोस्तों इन स्पाइट आप लिखा है तो आप इसकी जगह पे डिस्पाइट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि डिस्पाइट इज इक्वल टू होता है दोस्तों इन स्पाइट ऑफ, ठीक। तो ये था आज का 10 वर्ड दोस्तों, और बताइए कि 10 वर्ड आपके समझ में आया कि नहीं दोस्तों, अगर समझ में आया हो तो हम कॉमन एरर पर चलें दोस्तों, करेक्ट इनकरेक्ट पर चलें, बताइए दोस्तों 10 वर्ड समझ में आए सबको कि नहीं। सत्यनारायण अवस्थी सर समझ में आ गया, भवानी राठौर सर समझ में आ गया, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, लगना चाहिए कि हाँ समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए तो दोस्तों हम जान जाएंगे कि समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का जो अगला सेशन है, अर्थात आगे स्टार्ट करेंगे दोस्तों करेक्ट एंड इनकरेक्ट, जी हाँ दोस्तों करेक्ट एंड इनकरेक्ट पर चलते हैं दोस्तों। और पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है, व्हेन ही वाज गोइंग टू मार्केट, व्हेन माने जब, ही माने वह, वाज माने था, गोइंग माने जा रहा, टू मार्केट मतलब बाजार, जब वह बाजार जा रहा था दोस्तों, ही माने वह, सडनली माने अचानक, कम अक्रॉस हिज चाइल्डहुड फ्रेंड मतलब वह अचानक अपने बचपन के मित्र से मिल गया, जी हाँ दोस्तों वह अचानक अपने बचपन के मित्र से मिल गया दोस्तों। तो बताइए इसमें एरर क्या होगी दोस्तों, कमेंट करिए दोस्तों, बताइए कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो देख रहा हूं दोस्तों अभिषेक कुमार का सही जवाब आ रहा है, लवेश यादव का सही जवाब आ रहा है दोस्तों, नील प्रताप का सही जवाब आ रहा है दोस्तों, नितेश कुशवाहा का सही जवाब आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अर्थात दोस्तों क्या है कि जो एरर है हमारी, जो एरर है हमारा दोस्तों वो बी पार्ट में एरर है, जी हाँ पहले के बी पार्ट में एरर है, अर्थात जो लिखा है ही सडनली कम अक्रॉस, तो वहां पे दोस्तों सडनली का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया अभी अभी दोस्तों कि अगर सडनली कम अक्रॉस लिखा है तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि सडनली का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जी हाँ दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्या कह रहा है देखिएगा, ए कूल लाइट ब्रिज, जी हाँ दोस्तों दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, ए कूल लाइट ब्रिज वाज ब्लोइंग, ए माने ए, कूल मतलब ठंडी, लाइट ब्रिज मतलब हल्की हवा, वाज ब्लोइंग मतलब बह रही थी, जी हाँ दोस्तों एक ठंडी हल्की हवा बह रही थी, एंड माने और, इट सून पुट द चाइल्ड
टू स्लीप। जी हाँ दोस्तों, इट माने वह, सून माने जल्द ही, पुट द चाइल्ड टू स्लीप मतलब बच्चे को जल्दी सुला दिया, मतलब उस हवा ने बच्चे को जल्द ही क्या कर दिया दोस्तों, सुला दिया। और क्योंकि सुंदर और ठंडी और मधुर हवा बह रही थी दोस्तों, मतलब मधुर हवा बह रही थी दोस्तों, जिससे बच्चा क्या हुआ, सो गया। तो इसमें एरर बताइए दोस्तों, दूसरे में एरर क्या है, पहले दूसरा बताइए दोस्तों, पहले दूसरा बताइए। तो देख रहा हूं दोस्तों बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों, लग रहा है दोस्तों समझ में आ गया, दोस्तों लग रहा है समझ में आ गया। और समझ में आया हो दोस्तों तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, मैं देखता हूं दोस्तों लाइक नहीं करते, 13-13, 20-20 लोग देखते रहते हैं लेकिन लाइक नहीं करते दोस्तों, तो लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों। तो अर्थात इसमें जो एरर होगा दोस्तों, दूसरे में, दूसरे के ए पार्ट में एरर होगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरे के ए पार्ट में एरर होगा दोस्तों। तो दोस्तों दूसरे के ए पार्ट में एरर होगा, तब तक आप तीसरे में बताइए, तीसरे में कौन सा एरर है। जी हां दोस्तों, लिखा है द इजी ऑन ओमेन। जी हां दोस्तों, द इजी बताइए दोस्तों, तब तक मैं डाल देता हूं सही। लिखा है दोस्तों द इजी ऑन ओमेन इंपावरमेंट शुड नॉट एग्जिट। जी हां दोस्तों, मोर देन 500 वर्ड्स। हां, द एस्से लिखा है दोस्तों, द एस्से मतलब निबंध, द एस्से मतलब निबंध, ऑन मतलब पर, ओमेन इंपावरमेंट, ठीक, ओमेन इंपावरमेंट शुड नॉट एग्जिट मोर देन 500 वर्ड्स, शुड नॉट एग्जिट ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, मोर देन 500 वर्ड 500 शब्दों से ज्यादा। तो दोस्तों इसका जवाब बताइए क्या होगा दोस्तों, देख रहा था मैं जब सही डाल रहा था, कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे थे दोस्तों। तो अर्थात इसका हो क्या जाएगा दोस्तों, जो आपका लिखा है एग्जिट मोर देन, तो हमने कहा दोस्तों कि एग्जिट के साथ कभी भी मोर देन का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि एग्जिट का मतलब ही होता है दोस्तों अधिक, ठीक। तो अर्थात इसमें जो एरर होगी दोस्तों कुछ तीसरे वाले में जो एरर होगी दोस्तों सी पार्ट में होगी। जी, तीसरे वाले में सी पार्ट में एरर होगी दोस्तों, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, चौथा और पांचवा आपकी स्क्रीन पर लगा है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा, द रेन केप्ट पॉरिंग थ्रू आउट द होल डे। जी हां दोस्तों, द रेन माने वर्षा, केप्ट पॉरिंग, ठीक, POURING, पावर मतलब होता है दोस्तों, देखिए जैसे बौछार होता है, तो वही चीज है कि मतलब कि द रेन केप्ट पावरिंग, मतलब सारा द रेन मतलब वर्षा, केप्ट माने होती रही, पावरिंग मतलब बौछार के रूप में, थ्रू आउट द होल डे सारे दिन, मतलब सारे दिन वर्षा होती रही दोस्तों। तो इसका जो है जो करेक्ट होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, अर्थात इसमें किस पार्ट में गलत है दोस्तों, बताइए दोस्तों इसमें किस पार्ट में गलत है। जी हाँ बता रहे हैं, जी हाँ दोस्तों बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों। तो हमने क्या कहा कि जो थ्रो आउट लिखा हुआ है, थ्रो आउट द डे होता है दोस्तों, होल नहीं होता, अर्थात इसमें भी जो चौथा है दोस्तों, चौथे में भी आपका क्या गलत हो जाएगा दोस्तों, चौथे में भी आपका सी पार्ट में गलत है दोस्तों। पांचवा बताइए दोस्तों, देख रहा हूं ए ए ए ए सबका सही जवाब आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब लग रहा है दोस्तों समझ में आ गया है आप लोगों को, अर्थात कैट्स एंड डॉग्स जो लिखा हुआ है, इट रेन्ड लाइक कैट एंड डॉग्स ड्यूरिंग द वीकेंड एंड वी हैड टू स्टे इनडोर। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए क्या लिखा है, इट रेन्ड लाइक लिखा है दोस्तों, और मैंने कहा कि कैट एंड डॉग्स के पहले का किसका प्रयोग नहीं होता दोस्तों, लाइट का प्रयोग नहीं होता दोस्तों, ठीक। तो ये थे पांच वर्ड दोस्तों, छठा वर्ड देख लेते हैं, छठा और सातवां आपकी स्क्रीन पर लिखा है दोस्तों, इसको मैं बताऊंगा नहीं, इसको मतलब समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, आप लोग छठे और सातवें में बताइए दोस्तों क्या होगा, छठे और सातवें में बताइए दोस्तों क्या होगा। नितेश कुशवाहा राजपूत एथलेटिक मेंटर, ठीक, दोनों लोग सही जवाब दिए हैं आगे, हाँ ठीक है, बहुत बच्चे सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों, बहुत सही है, इसका मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक भी करना चाहिए, आपका कर्तव्य है दोस्तों, लाइक भी करना चाहिए दोस्तों। अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा, जो छठा है आपका, छठे वाले में लिखा है दोस्तों डिस्क्राइबिंग अबाउट, अर्थात बी पार्ट में गलत है, छठे वाले में बी पार्ट में गलत है, और सातवें में दोस्तों बी पार्ट में गलत है, डिफाइन अबाउट, ठीक।
तो ये सारे वर्ड हमने दोस्तों बताए थे, ये सारे वर्ड बताए थे। कहीं भी किसी को कोई भी समस्या हो दोस्तों कमेंट करिए, किसी को कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों कमेंट करिए। और चलते हैं हम लोग रूल नंबर दो पर, और जो रूल है हमारा दोस्तों नाउन का है। और हमने कहा दोस्तों कि नोट्स आप बनाते चलिए, जी हाँ दोस्तों नोट्स आप बनाते चलिए। और एक सूचना मैं दे देता हूँ दोस्तों संडे को, एक सूचना दे देता हूँ दोस्तों, संडे को आपकी जो है महामैराथन क्लास चलेगी। जी हाँ दोस्तों संडे को आपको आपकी महामैराथन क्लास चलेगी दोस्तों। और इस महामैराथन में दोस्तों आपका ग्रामर का, जी हाँ दोस्तों इंग्लिश ग्रामर का दोस्तों 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों पूरा। इस महामैराथन में दोस्तों इंग्लिश ग्रामर का 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका कर्तव्य है दोस्तों 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक क्लास चलेगी दोस्तों संडे को। और ये 2 घंटे आपको क्लास लेनी है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये जान लीजिए। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको इस तीन चैप्टर से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मतलब कि 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे दोस्तों, जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और दो तीन क्वेश्चन आपको पैसेज में दूसरी तरफ मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये 10 से 12 जो क्लास है दोस्तों महामैराथन की, इसको देखना ना भूलिएगा दोस्तों। इसमें आपका 3 चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा, जो कि आपका है एफिक्स, एक चैप्टर है दोस्तों एफिक्स, ठीक, एक चैप्टर है आपका दोस्तों क्वेश्चन टैग, एक चैप्टर है दोस्तों अफिक्स, एक चैप्टर है क्वेश्चन टैग, और एक चैप्टर है दोस्तों सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। जी हाँ दोस्तों ये 3 चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों तीनों, एक है एफिक्स, एक है क्वेश्चन टैग और एक है दोस्तों सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। ये तीनों चैप्टर दोस्तों आपका संडे को कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों 10 से 12। तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों, संडे को सबको आना है। तो कमेंट करिए, बताइए दोस्तों कौन कौन आएगा संडे को, संडे को कौन कौन उपस्थित रहेगा दोस्तों, कमेंट करिए और बताइए कौन कौन आएगा दोस्तों संडे को, कौन कौन आएगा दोस्तों बताइए। विकास, आशीष, देवेश, मानस, भवानी, अभी, अभिषेक, ठीक है, ठीक दोस्तों। तो मैं आप लोगों के लिए दमदार क्लास लेकर आ रहा हूं, जान लीजिए एकदम दमदार क्लास रहेगी दोस्तों संडे को, एकदम लाजवाब क्लास रहेगी संडे को। केवल आपकी 2 क्लास रहनी है, एक ही आपकी महामैराथन रहेगी दोस्तों, और एक आपकी पैसेज की क्लास रहेगी। 2 क्लास आपको संडे को लेनी है बस, संडे को आपको केवल 2 क्लास पढ़नी है, एक महामैराथन दोस्तों और एक आपका पैसेज का रहेगा, उसमें केवल पैसेज बताया जाएगा दोस्तों। तो ये दोनों क्लास दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एकदम तबाही मचनी चाहिए दोस्तों, एकदम तबाही मचनी चाहिए। और आपको खुद फील होना चाहिए कि हाँ हमने पढ़ा है और हमको आ रहा है दोस्तों। जब आपको ये फील हो दोस्तों कि आपको आ रहा है, तो जान लीजिएगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई दोस्तों। देख लीजिए पसीना निकल रहा है दोस्तों सिर्फ आपके लिए दोस्तों। तो इतना हो रहा है दोस्तों, तो एक बार शेयर करिए दोस्तों, शेयर तो बनता है दोस्तों एक बार शेयर करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग नाउन पर चर्चा करते हैं। नाउन का आज का दोस्तों हमारा तीसरा रूल है, जी हाँ दोस्तों नाउन का आज हमारा तीसरा दिन है दोस्तों। और देखिए हमने 2 दिन बताया, पहला बताया कि कुछ नाउन होते हैं जिनके साथ दोस्तों ए या एन नहीं लगता है, ठीक, ए या एन नहीं लगता है, या यस नहीं लगता है। जैसे हमने बताया था लगेज, बगेज, एनल, ओ लगेज, बगेज और सीनरी, और हमने बताया था दोस्तों एडवाइज, हमने बताया था इंफॉर्मेशन, हमने बताया था फर्नीचर। इसके सबके पहले किसका प्रयोग नहीं होता दोस्तों, ए या एन का प्रयोग नहीं होता, और इसके बाद यस या यस का भी प्रयोग नहीं होता दोस्तों। दूसरा हमने बताया था कुछ नाउन होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं, ठीक, कुछ नाउन होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं और प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। जैसे हमने बताया था दोस्तों पैजामाज, लेगीज, शूज और सॉक्स, और हमने बताया था दोस्तों आर्म्स, ठीक। तो ये सभी है दोस्तों जिसके साथ हेयर वाले में बताया था दोस्तों कि हेयर, अगर हेयर के पहले नंबर है तो हेयर्स हो जाएगा, ब्रिक के पहले अगर नंबर है तो ब्रिक्स हो जाएगा, स्टोन के पहले अगर नंबर है तो स्टोन्स हो जाएगा। तो ये सभी रूल है दोस्तों, इसको आप लिखते चलिएगा, इसको आप नोट्स में लिखते चलिएगा। आज उसी क्रम में हम लोगों का अगला नियम है, और नियम क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर लगा है,
आप देख रहे होंगे दोस्तों, लिखा है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन यूज में प्लूरल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब देखने में एक वचन लगते हैं लेकिन जब उसका प्रयोग करते हैं दोस्तों तो वो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे जेंट्री, GENTRY, जेंट्री, या फिर कैटल। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कैटल मतलब होता है झुंड या समूह। जी हाँ दोस्तों, कैटल जो है दोस्तों, कैटल मतलब होता है झुंड या समूह, और जेंट्री मतलब होता है मतलब कि लोगों का समूह, कुलीन जन लिखा होगा आपके उसमें, या फिर पोल्ट्री फार्म, जानते होंगे दोस्तों मुर्गा फार्म जिसको बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म उसको कहते हैं दोस्तों, या फिर दोस्तों इन्फेंट्री। जी दोस्तों, आर्मी में है दोस्तों तो इसको पता होना चाहिए, इन्फेंट्री, और इन्फेंट्री मतलब होता है दोस्तों पैदल सेना। जी हाँ दोस्तों, पैदल सेना की जो टुकड़ी होती है दोस्तों उसे इन्फेंट्री कहते हैं, पैदल सेना कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मजा आ रही है दोस्तों, तो लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये सभी वर्ड आपको जो दिख रहे हैं दोस्तों, ये देखने में तो एक वचन लग रहे हैं लेकिन दोस्तों जब इसका प्रयोग करते हैं तो बहुवचन में प्रयोग होता है, अर्थात इसके साथ जो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है ना, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब बहुवचन वाली प्रयोग की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है वो बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल से बताता हूं दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल से बताता हूं तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, पहला एग्जाम्पल लिखा है कि पीपल आर नॉट सो फुलिश एज वी थिंक। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों देखिए पीपल, ठीक, पीपल इज नॉट सो फुलिश एज, सो फुलिश एज वी थिंक। जी हाँ दोस्तों, प्यूपिल मतलब लोग, इज नॉट माने नहीं है, सो फुलिश इतने मूर्ख, एज वी थिंक जितना हम सोचते हैं, मतलब लोग इतने मूर्ख नहीं है जितना हम सोचते हैं दोस्तों। तो इसमें हमको बताना है दोस्तों क्या गलत है, मतलब इसमें कहां गलत लग रहा है दोस्तों। तो आपको कहीं गलत नहीं लग रहा होगा लेकिन जो वर्ड लिखा है दोस्तों उसमें देखिए एक वर्ड लिखा है प्यूपिल, तो प्यूपिल मतलब लोग होता है दोस्तों, और लोग बहुवचन है इसीलिए दोस्तों यहां पे इज का प्रयोग नहीं होगा, यहां पे किसका प्रयोग हो जाएगा दोस्तों, आर का प्रयोग होगा। हमने कहा दोस्तों कि ये सभी वर्ड जो दिख रहे हैं दोस्तों इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, बहुवचन के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन की सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे अगला देखिए दोस्तों, जैसे अगला देखिए, द जेंट्री ऑफ आवर एरिया, ठीक, या फिर दोस्तों आगे देख लीजिए, हाँ ठीक है, द जेंट्री ऑफ आवर एरिया, ठीक, इज वेल एजुकेटेड, इज वेल एजुकेटेड, द जेंट्री ऑफ आवर एरिया इज वेल एजुकेटेड, मतलब हमारे तरफ के जो जेंट्री यानी कि क्या हुआ दोस्तों, कुलीन जन है या फिर लोग हैं, हमारे तरफ के जो लोग हैं दोस्तों सभ्य लोग, कुलीन जन मतलब होता है सभ्य लोग, जेंट्री मतलब होता है सभ्य लोग दोस्तों, जेंट्री मतलब होता है सभ्य लोग, तो हमारे तरफ के जो सभ्य लोग हैं ऑफ आवर एरिया इज वेल एजुकेटेड, शिक्षित हैं, ठीक, वेल एजुकेटेड हैं। तो यहां पर दोस्तों अब चूंकि हमने कहा दोस्तों कि अगर जेंट्री मिल जाए दोस्तों, पोल्ट्री मिल जाए दोस्तों, कैटल मिल जाए दोस्तों, या फिर आपको प्यूपिल मिल जाए दोस्तों, तो इसके सब के साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इज है ना, तो इज ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। तो ये नाउन का रूल था दोस्तों, ये नाउन का रूल था कि जो है अगर हमको, मैं पढ़ देता हूं एक बार, जेंट्री कैटल मिल जाए, जेंट्री मिल जाए, पोल्ट्री मिल जाए, फॉल्क मिल जाए, कैवलरी मिल जाए, कैवलरी मतलब होता है दोस्तों अश्वसेना, इन्फेंट्री मिल जाए, पीजेंट्री मिल जाए, क्लर्जी मिल जाए, क्लर्जी मतलब होता है दोस्तों पादरी लोग, या टेनिटी मिल जाए दोस्तों, वर्मिन मिल जाए, तो इसके सबके साथ, या पोलिस मिल जाए दोस्तों, तब भी पोलिस अगर मिल जाएगा, या पुलिस जिसको बोलते हैं आप, पुलिस मिल जाएगा दोस्तों, तब भी उसके साथ बहुवचन का ही प्रयोग होता है, ठीक। तो ये है दोस्तों वर्ड आपका। तो चलिए दोस्तों अगले उसी क्रम में दोस्तों हम लोग चलते हैं ओ डब्ल्यू एस पर। जी हाँ दोस्तों,
मजा आ रही है दोस्तों, लाइक करिए दोस्तों, मजा आ रही है दोस्तों, लाइक करिए, एकदम तबाही मच रही है, आप लोग तो शांत हो जाते हैं दोस्तों, एकदम शांत सन्नाटा आ जाता है दोस्तों। लाइक करिए तुरंत, जय हिंद लिखते रहा कीजिए, जय हिंद बोलिए सब लोग एक बार जल्दी, जय हिंद लिखिए दोस्तों, एकदम जोश भर देना चाहिए दोस्तों, आपको एकदम जोश भर जाना चाहिए दोस्तों, जय हिंद लिखिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। OWS आपकी स्क्रीन पर अभी नहीं लगा होगा दोस्तों, OWS, चलिए ठीक है, हाँ अब ठीक है, लग गया होगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा OWS। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा OWS है दोस्तों, देखिए कैटास्लिज्म, OWS में हम लोग आज पहला वर्ड देख रहे हैं कैटास्लिज्म। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए कैटास्लिज्म मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रलय या भूकंप जिसको कहते हैं दोस्तों, कैटास्लिज्म मतलब होता है दोस्तों भूकंप या प्रलय, ठीक, कैटास्लिज्म मतलब होता है दोस्तों भूकंप या प्रलय, अर्थात दोस्तों अगर कहीं पर आपको, देखिए वन वर्ड में होता क्या है कि आपको दे दिया जाएगा, मतलब कि कैटास्लिज्म दे दिया जाएगा और चार वर्ड दे दिया जाएगा, उसमें से आपको बताना रहेगा क्या सही है। तो देखिए दोस्तों, कैटास्लिज्म मतलब होता है भूकंप, और भूकंप का मतलब क्या होता है, सडन एंड वायलेंस चेंज, सडन मतलब अचानक, एंड सडन एंड वायलेंट चेंज, मतलब क्या हुआ दोस्तों, सडन मतलब अचानक, अचानक और, देखिएगा दोस्तों, अचानक और वायलेंट मतलब हिंसक परिवर्तन, ठीक, हिंसक परिवर्तन मतलब क्या हुआ दोस्तों, अचानक और हिंसक परिवर्तन मतलब क्या है दोस्तों, भूकंप या प्रलय, प्रलय या भूकंप जब आता है दोस्तों, होता क्या है कि घर गिर जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं दोस्तों, तो वही चीज है दोस्तों कैटास्लिज्म, कैटास्लिज्म मतलब होता है दोस्तों भूकंप, और भूकंप का मतलब होता है सडन एंड वायलेंट चेंज, ठीक, अचानक और हिंसक परिवर्तन। जैसे अगला देखते हैं दोस्तों OWS में दूसरा वर्ड, और दूसरा वर्ड क्या है देखिएगा दोस्तों, दूसरा वर्ड आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखेगा दोस्तों, डॉइजर है, DOIESER, डॉइजर, डॉइजर मतलब होता है दोस्तों दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, डॉइजर मतलब होता है दोस्तों दस्तावेज, याद रखिएगा दोस्तों, कल की PDF का जो पासवर्ड है दोस्तों, लिख लीजिएगा, कल की PDF का जो पासवर्ड है दोस्तों, कल की PDF का जो पासवर्ड है दोस्तों यही है, लिख लीजिए दोस्तों, कल की PDF का जो पासवर्ड है दोस्तों 2314 है। जी हाँ दोस्तों, कल की PDF का जो पासवर्ड है दोस्तों, लिख लीजिए 2314, ये कल की जो PDF कल सुबह चली थी आपकी 10 बजे, उसका पासवर्ड दोस्तों यही है, और PDF आपको WhatsApp ग्रुप पर भेज दिया गया है दोस्तों, और PDF आपकी जो है टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दिया गया है, ठीक, भेज दिए हो ना, क्यों, चलिए ठीक है, विवेक ओझा जी जो है भेज देंगे, ठीक, और हमारे टीम के जो है टेक्निकल ग्रुप के हेड हैं विवेक ओझा जी, लोगो देख रहे होंगे दोस्तों आपको वो उधर लगा हुआ है किनारे, वो लोगो जो है विवेक ओझा जी ने ही बनाया है, तो ठीक है PDF भेज देंगे उसको। पासवर्ड दोस्तों यही है, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए कहीं, 2314, तो चलिए दोस्तों, डॉइजर मतलब होता है दस्तावेज, मतलब क्या हुआ, कोई दस्तावेज या फाइल होती है दोस्तों, उसे ही कहते हैं डॉइजर। इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इंपॉर्टेंट वर्ड है, 2018 मार्च में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, 18 मार्च 2018 को जब एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था दोस्तों, तब डॉइजर पूछा गया था, अगर आपके पास हो तो देख लीजिएगा, उसमें है। डॉइजर मतलब होता है दोस्तों दस्तावेज, और दस्तावेज का मतलब क्या होता है, ए फाइल कंटेनिंग, ठीक, ए फाइल मतलब एक फाइल दोस्तों, कंटेनिंग मतलब जो रखे हुए हो, डिटेल्ड रिकॉर्ड, ठीक, डिटेल्ड रिकॉर्ड मतलब कोई विस्तृत रिकॉर्ड, जो जैसे कार्यालय वगैरह में जो फाइलें रखी रहती है दोस्तों, उसी को कहते हैं डॉइजर। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको क्या ढूंढना है दोस्तों, ऑप्शन में आपको फाइल ढूंढना है, क्या ढूंढना है,
फाइल ढूंढना है, उसी तरह अगर कैटासिलिज्म आ गया दोस्तों तो भूकंप मतलब सडन ढूंढना है, ठीक। तो ये सभी दोस्तों वर्ड हैं। आगे दोस्तों चलते हैं OWS में, आज का हमारा तीसरा वर्ड क्या है दोस्तों देखते हैं। OWS में दोस्तों आज का जो हमारा तीसरा वर्ड है क्या है देखिए दोस्तों, मजा आ रही हो तो लाइक करिए दोस्तों, देख रहा हूं लाइक नहीं कर रहे दोस्तों, देख रहा हूं दोस्तों 13 लोग देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं। हमने कहा दोस्तों किसको, आप 50 पार करिए, जिस दिन आप 50 पार कर देंगे उस दिन जानेंगे कि हाँ आप अपने गुरु के लिए, आप अपने गुरु के लिए बहुत कुछ किए दोस्तों। देख लीजिए पसीना, पसीना देख लीजिए दोस्तों, आपके लिए पसीना अगर मैं बहा रहा हूं दोस्तों तो आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों कि शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अगला देखते हैं एग्ज्यूम। जी हाँ दोस्तों, EXHUME एग्ज्यूम होता क्या है दोस्तों, एग्ज्यूम करना, जूम, देखिए सुनिए, जूम, जूम मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा करना। तो एग्ज्यूम, एग्ज्यूम का मतलब होता है दोस्तों कब्र खोद कर निकालना। जी हां दोस्तों, कब्र खोद कर निकालना, अगर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों तो मैं पढ़ दे रहा हूं, एग्ज्यूम का मतलब होता है दोस्तों कब्र खोद कर निकालना या सामने ले आना। जी हां दोस्तों, कब्र खोद कर निकालना या फिर सामने ले आना, अर्थात टू ब्रिंग बैक। जी हां दोस्तों, टू ब्रिंग, टू ब्रिंग बैक, ठीक, टू ब्रिंग बैक मतलब वापस लाना या कब्र खोद कर निकालना, दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों, एग्ज्यूम। एग्ज्यूम का मतलब होता है दोस्तों कब्र खोद कर निकालना। और OWS में आज चौथा वर्ड देखिए दोस्तों, OWS में आज चौथा वर्ड है दोस्तों एडजर्न। जी हां दोस्तों, ADJOURN एडजर्न, एडजर्न मतलब क्या होता है दोस्तों, कमेंट करिए अगर किसी को पता हो दोस्तों, कमेंट करिए, देखता हूं किसी को पता है कि नहीं दोस्तों। एडजर्न बहुत अच्छा वर्ड है, एडजर्न मतलब होता है दोस्तों स्थगित करना। दोस्तों मूवी देखते होंगे आप, मूवी देखते होंगे और मूवी में जज कहता है द कोर्ट इज एडजर्न। जी हां दोस्तों, मूवी में जज कहता है दोस्तों द कोर्ट इज एडजर्न। तो एडजर्न मतलब क्या होता है दोस्तों, एडजर्न मतलब होता है दोस्तों स्थगित करना। तो दोस्तों एडजर्न मतलब होता है स्थगित करना, ठीक। तो देखिए स्थगित करना का मतलब क्या हुआ, टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग्स, टू ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ मतलब रोक देना, प्रोसीडिंग्स, ठीक, टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग्स मतलब किसी चीज को, प्रोसीडिंग्स ऑफ ए मीटिंग, ऑफ ए मीटिंग, किसी मीटिंग को स्थगित कर देना मतलब क्या करना दोस्तों, एडजर्न करना। ये था दोस्तों वर्ड। आगे चलते हैं दोस्तों आईपी पर, आगे चलते हैं दोस्तों आईपी पर, आगे चलते हैं दोस्तों आईपी पर। और मजा आ रही है दोस्तों, लाइक करें, जय हिंद लिखिए दोस्तों, आज बहुत कम जय हिंद लिखे हैं आप लोग, आज बहुत कम जय हिंद लिखे दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों। प्रमोद शर्मा जय हिंद, नितिन राठौर जय हिंद, हनुमान बिश्नोई जय हिंद, जय हिंद, एक बार जल्दी सब लोग लिखिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं आईपी में, पहला देखिए, टू पुट द सेडल ऑन द राइट हॉर्स, टू पुट द सेडल ऑन द राइट हॉर्स, ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं दिख रहा हो तो मैं पढ़ दे रहा हूं दोस्तों, टू पुट द सेडल ऑन द राइट हॉर्स। जी हां दोस्तों, टू पुट द सेडल ऑन द राइट हॉर्स मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि दोषी व्यक्ति को ही दोषारोपित करना। जी हां दोस्तों, जो गलत व्यक्ति है उसे ही गलत कहना, मतलब दोषी, दोषी व्यक्ति पर ही, व्यक्ति को ही दोषी व्यक्ति को ही दोषी ठहराना, ठीक। तो दोस्तों दोषी व्यक्ति को ही दोषी ठहराना मतलब टू पुट सेडल
ऑन द राइट हॉर्स। ठीक, टू पुट सेडल ऑन द राइट हॉर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, दोषी व्यक्ति को ही दोषी ठहराना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, टू इनपुट ब्लेम, टू इनपुट ब्लेम वेयर, टू इनपुट मतलब कि, टू इनपुट ब्लेम मतलब कि आरोप लगाना, वेयर माने जहां, इट इज डिजर्व्ड, वेयर इट इज डिजर्व्ड, जहां पर वह डिजर्व करता हो या जहां पर उसकी यो मतलब कि जहां पर उसकी जरूरत हो वहीं पर ब्लेम करना अर्थात दोषी व्यक्ति को ही दोषी ठहराना क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, टू पुट द सेडल ऑन द राइट हॉर्स। जी हाँ दोस्तों, टू पुट द सेडल ऑन द राइट हॉर्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, दोषी व्यक्ति को ही दोषी ठहराना। आगे देखते हैं दोस्तों दूसरा वर्ड, आईपी का दूसरा वर्ड क्या है दोस्तों, देखिए ऑर्डर ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है दोस्तों रोजमर्रा की वस्तु, रोजमर्रा की वस्तु मतलब क्या हुआ कि जो हमारी रोज की सामग्री है जिसका हम प्रयोग करते हैं वही चीज हमारा रहता है ऑर्डर ऑफ द डे या फिर रोजमर्रा की वस्तु। जी हां दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब रोजमर्रा की वस्तु या फिर इसको हम करेंगे क्या, ठीक, किसी समय के लिए जरूरी वस्तु या रोजमर्रा की वस्तु, समथिंग नेसेसरी ऑफ यूजुअल एट ए सर्टेन टाइम। जी हां दोस्तों, इसको मैं लिखूंगा नहीं, केवल बता दे रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला वर्ड देखिएगा दोस्तों, टू टर्न वंस कोट। जी हां दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, डाल लीजिएगा, टू टर्न वन वंस कोट, सी ओ, एक मिनट रुक जाइएगा, देख लेते हैं, टू टर्न वंस कोट, सी ओ ए टी है, सही लिखा हूं, ठीक, ओ एन ई यस, ओ एन ई यस, टू टर्न वंस कोट इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि दल बदलू जिसको कहते हैं, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना, मतलब ऐसे व्यक्ति जो बार बार अपनी पार्टी बदलते रहते हो उसे ही कहते हैं दोस्तों टू टर्न वंस कोट, मतलब कोट बदल लेना अर्थात टू टर्न वंस कोट, अदला बदली कर लेना दोस्तों, तो वही कहलाता है क्या, एक पार्टी को दूसरी पार्टी, मतलब कि जो व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बदल, मतलब बदल ले, जो अपना सिद्धांत बदल ले दोस्तों उसे ही कहते हैं टू टर्न वंस कोट। जी हाँ दोस्तों, तो ये था आज का सेशन हमारा, इसमें दोस्तों लास्ट वाले में हमने ये दोनों समझाया नहीं, ठीक, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए नहीं समझाया दोस्तों, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो सारी चीजें हमने बता दी। तो आज की क्लास में हम देख लेते हैं दोस्तों कि कितने बच्चे प्रेजेंट रहे, मैं सबका नाम ले लूंगा दोस्तों, मैं सबका नाम ले लूंगा दोस्तों, लेकिन एक बार सब लोग जय हिंद करिए, फिर मैं देखता हूं कौन कौन बच्चा कमेंट कर रहा है, उसके बाद उसका नाम लेता हूं दोस्तों। एक बार जल्दी से दोस्तों जय हिंद करिए, नितिन राठौर, नील प्रताप, लौलेश यादव, अभी अभिषेक कुमार, भवानी राठौर, नितिन, नितेश कुशवाहा। जी हाँ दोस्तों, सबको एक बार जय हिंद करिए दोस्तों, एक बार जय हिंद करिए दोस्तों, एक बार शेयर करिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में शाम को 4 बजे दोस्तों, तो जरूर देखिएगा शाम को 4 बजे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।